सैनी आरक्षण महापंचायत के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित बॉक्सर जतिन जी सैनी तथा उनके साथ पधारी उनकी पूरी टीम, उनके अतिथिगण तथा मंच पर उपस्थित हमारे तिराना ग्राम के पूर्व सरपंच भूधरमल जी सैनी, नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन रूडमल जी सैनी, पूर्व प्रधान भगवान राम जी सैनी, भाई गीता राम जी सैनी, बागुरा के सरपंच रमेश जी, डॉक्टर मुकेश जी बागड़ी, समदर जी पाडिला, सामने उपस्थित विद्वानगण, हमारे आरक्षण समिति के संयोजक मोतीलाल जी सैनी और उदयपुरवाटी तहसील क्षेत्र में आरक्षण समिति के संयोजक श्रीमान किशोरीलाल जी सैनी छापोली, मेरे सामने उपस्थित समस्त युवागण तथा बुजुर्ग साथियों, मैं जतन जी को बताना चाह रहा हूं कि उदयपुरवाटी कस्बा ये सैनी बाहुल्य क्षेत्र है। सबसे ज्यादा सैनी समाज के लोग इस उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र में बसते हैं और जब से ये आरक्षण का मामला चला है, भरतपुर से श्री मुरारीलाल जी सैनी ने मामला उठाया, उसके बाद से उदयपुरवाटी के युवा लोग बड़े सक्रिय हैं। हमने सबसे पहले 4 सितंबर को उदयपुरवाटी में इसी मैदान में, इस खुले मैदान में एक बड़ी सभा की थी, उसमें 8-10 हजार व्यक्ति इकट्ठे हुए थे। राघव जी पंवार जैसे आज हमारे संयोजन कर रहे हैं, ये संयोजन कर रहे थे, तो बड़ी संख्या में 8-10 हजार लोग इकट्ठे हुए थे पूरे जिले भर के। और उसके बाद से हम रुके नहीं हैं, लगातार हमारे कार्यक्रम हो रहे हैं। 15 अगस्त को जो जयपुर में कार्यक्रम था, उस जयपुर वाले कार्यक्रम में भी यहां से बड़ी संख्या में युवा गए थे। और 15 तारीख को रात को सुबह 4 बजे यानी 16 तारीख को अपने लोगों की गिरफ्तारियां की गई, उनके साथ मार पिटाई की गई। जो ही उसका समाचार आया तो हमारे यहाँ भैरू घाट है, उधर से आप पधारे होंगे, वो भैरू घाट उदयपुरवाटी का एक ऐसा पॉइंट है, वहां से जोधपुर दिल्ली का मार्ग बंद हो सकता है, झुंझुनू से जयपुर का मार्ग बंद हो सकता है और सीकर से दिल्ली और जयपुर का रास्ता भी बंद हो सकता है, वैसा एक पॉइंट है वाई पॉइंट। तो वहां अपने समाज के लोगों ने रास्ता जाम किया लगभग 8 घंटे तक। उसके बाद में समझाइश के बाद में हमने रास्ता खोला, रास्ता खोलने के बाद में हमारे युवाओं के मुकदमे लगे। 26-27 नाम नामजद हैं, 150 अज्ञात हैं। मुकदमे लगने के बाद में हमारे युवाओं खत्म नहीं हुआ और हमने 16 तारीख को भी मीटिंग की। दूसरे दिन 16 तारीख को तहसील के सामने धरना दिया। उसके बाद में हमारे जो व्यापारी लोग हैं उन्होंने सब्जी मंडी बंद रखी और सब्जी मंडी बड़ी संख्या में एसडीएम कार्यालय फिर धरना दिया। सैनी समाज का जो मंदिर है, सैनी मंदिर, उसमें भी लगातार मीटिंगें होती रहती हैं और आज भी 4:30 बजे सैनी मंदिर में मीटिंग है। आप सभी लोग उस मीटिंग में पधारें और ऐसी मीटिंगें लगातार होती रहेंगी, जब तक हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा तब तक ऐसी मीटिंगें होती रहेंगी। आप लोग पधारें, हर मीटिंग के जब भी सूचना मिले उसमें पधारें। साथ में एक बात और कहना चाहता हूं, हम कार्यक्रम कर रहे हैं, 2 तारीख को भी कार्यक्रम है घाट में, 2 अक्टूबर को बड़ा कार्यक्रम है, 2 अक्टूबर के इस कार्यक्रम में हम सभी लोग पधारें। ऐसा कोई घर नहीं बचना चाहिए जिसमें से हमारे युवा लोग और बुजुर्ग लोग उस कार्यक्रम में पधारे नहीं। हमें ऐसा माहौल बनाना है कि 2 अक्टूबर को हर व्यक्ति उस कार्यक्रम में पधारे। साथ में एक अपील और भी करना चाहता हूं, कई लोग पूरा समय देते हैं, कई लोगों के पास समय नहीं है, सिर्फ कमाने का काम करते हैं, कुछ कमाने का भी करते हैं समाज के लिए भी देते हैं। हमारे मोतीलाल जी की हालत थोड़ी खराब है, हमारे आरक्षण संघर्ष समिति के ये संयोजक है, खूब पैसा खर्च हुआ है, काफी लोगों ने पैसा दिया भी है, लेकिन जो जितना पैसा हमें मिला है उससे काम नहीं चल रहा। तो मेरी अपील है, जो भी बंधु अपनी श्रद्धा के अनुसार जो भी इस अभियान के लिए देना चाहें, मोतीलाल जी को सीधा
इनसे मिलकर उनको ट्रांसफर कर दें तो कोष की दिक्कत नहीं आएगी। धन्यवाद। मैं उदयपुर वाटी नगर पालिका का चेयरमैन होने के कारण से एक बार पुनः जतन जी सैनी और उनकी पूरी टीम का स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय फूले, जय भारत।